सो हेलो दोस्तों, तो यार हमारे लिए सैंडिएगो कॉमिक कॉन इवेंट में सिर्फ दो ही ट्रेलर रिलीज किए थे। मतलब कि वहाँ की जो ऑडियंस है उनके लिए एंटमैन 3 गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और व्हाट इफ का ट्रेलर रिलीज किया और भी पता नहीं क्या क्या, ये तो लीक हो गया इस वजह से हमें पता चल गया। तो चलिए बात करते हैं जल्दी से एंटमैन 3 के लीक ट्रेलर के बारे में। गार्डियंस और व्हाट इफ वाले पर भी बात करेंगे लेकिन अगली वीडियो में। तो देखो, जो फुटेज लीक हुई है उसमें बताया गया है कि स्कॉटलैंड एक बुक पढ़ रहा होता है। अब यार इसकी फुटेज तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, इतना तो आप भी समझते हो। हाँ, तो स्कॉटलैंड एक बुक पढ़ रहा होता है जो बुक उसी के ऊपर लिखी होती है, लुक आउट फॉर द लिटिल गाय, जिसमें बताया गया है कि वो कैसे एंटमैन बना और उसकी पूरी जर्नी के बारे में, कि उसने क्या क्या सहा है इस पूरी जर्नी में। और तभी उसके पास आता है उसकी बेटी का फोन और वो बोलती है कि पापा मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है, मुझे छुड़ा लो। और एक मजबूर बाप क्या कर सकता है, वो जाता है उसे छुड़ाने। और तभी सीन चेंज हो जाता है, मतलब कि फुटेज का सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि कैंग और स्कॉटलैंड दोनों कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और यार इस कॉन्वर्जेशन में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, कैंग का लुक, मतलब जो कैंग का लुक है वो काफी ज्यादा अच्छा था। और स्कॉट है हमारा बावला, वो कैंग से बोलता है कि यार मैं एक एवेंजर हूं, तो मेरे से तमीज से बात करो, मार सकता हूं मैं तुम्हें। लेकिन स्कॉट को ये नहीं पता कि वो बात किससे कर रहा है, कैंग द कॉन्करर से। और तभी कैंग जवाब देता है, ज्यादा होशियार मत बनो, मैं मार चुका हूं तुम्हें एक यूनिवर्स में। और स्कॉट का मुंह उतर जाता है और यही ट्रेलर खत्म भी हो जाता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि कैंग ने ऐसा बोला क्यों, हो सकता है कि वो काफी सारे यूनिवर्स से एवेंजर्स को खत्म करके ही आया हो, कुछ भी हो सकता है यार, वो कैंग है लाइक थेनोस से भी ज्यादा बड़ा विलन। और अगर कैंग ने इसे किसी और यूनिवर्स में मारा है तो उसे सपने भी तो आए होंगे, जैसा कि हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। तो यार बस मैं और ज्यादा थ्योरी बनाना नहीं चाहता, तो आज के लिए इतना ही।